प्यारे साथियों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम है, अभिनंदन है। आज हम एक बहुत ही खास बातचीत करने जा रहे हैं। कल मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि आपके जो वीडियोस आते हैं YouTube पे या Instagram पे, तो वो वीडियो आपको क्या आनंद देते हैं या उससे कौन आनंद प्राप्त कर रहा है। तो बहुत गहरी बात थी। मेरे मन में विचार आया कि ये बातचीत जो हम कर रहे हैं एक सार्थक विषय की है और इसमें एक उपलब्धि भी होनी चाहिए। हम सब परमात्मा के अंश हैं, हम जानते हैं, और इसमें कोई संशय नहीं है कि परमात्मा भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। ये सब नाच गाना या जो भी हम करते हैं शायद दुनिया को रिझाने के लिए, तो दुनिया को तो रिझा सकते हैं पर परमात्मा को रिझाने के लिए क्या आवश्यक है, उस बारे में बात करेंगे। परमात्मा आपकी भक्ति, आपके भाव, आपके कर्मों से ही खुश होता है। उसको आप इसी तरह से रिझा सकते हैं, नहीं तो उनको रिझाना ये नाच गाना या संगीत से नहीं हो पाता है। तो इसी में दो पंक्तियां हैं। शब इंतजार आखिर कभी होगी मुक्त सर भी। ये जो दो पंक्तियां हैं इनका भाव ये है कि प्रभु आपसे मिलने का इंतजार कब तक चलेगा। तो कहीं ऐसा ना हो ये चिराग बुझ जाए मेरे साथ जलते जलते और ईश्वर की प्राप्ति ना हो पाए। तो इसलिए दोस्तों, इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप सबसे भी यही आग्रह है कि किसी तरह से परमात्मा से जुड़ने का रास्ता अपनाएं और कुछ ऐसा सोचें कि जिससे मानवता की भलाई हो और हम सब प्रसन्न रहें, खुश रहें, ये धरती, ये पृथ्वी माता आनंदमयी हो जाए, ये पूरा ब्रह्मांड हमारे कर्मों से खुश हो जाए और कहीं ना कहीं हमें ईश्वर की प्राप्ति हो, ईश्वरी ज्ञान की, ईश्वरी आनंद की प्राप्ति हो। हर हर महादेव। जय भारत माता।